कहते अगर बंगाल ही जलेगा पूरा दिल्ली जलेगा, असम जलेगा, बिहार जलेगा, इस तरह से जो बयान दिया ना होम मिनिस्टर अमित शाह को, मैं ये सख्त चेतावनी दूंगा, ये एक तरह का एक्ट ऑफ जिसको बोलना थ्रेटनिंग है आपके संविधान को, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको भी बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये एक तरह का थ्रेट है आपकी डेमोक्रेटिक जो आपका संविधान बनाया हो ना उसको, इमीडिएटली वहाँ की सरकार की रेकमेंड करिए, आप रेकमेंडेशन डालिए एमरजेंसी का वहाँ पे, वहाँ प्रेसिडेंट रूल चाहिए तभी बेटियाँ सुरक्षित होगी, नहीं तो ये एक तरह से सुनिए अगर उस बेटी को आज न्याय नहीं मिलता ना, ये बाकी जो दरिंदे हैं ना उनको मतलब उनका उत्साह और बढ़ जाएगा। अगर पब्लिक चुनती है पब्लिक हटाना भी जानती है, तो ठीक है, एक मिनट ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सही ठहरा रहे थे और शेख हसीना को क्या बता रहे डिक्टेटर, क्या कर रहे थे डिक्टेटर। देखिए आज वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हॉकियों से पीटा जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है रेस्टिगेट करने का स्टूडेंट्स को, स्कूलों को नोटिस दिया जा रहा है, ये मैं नोटिस दिखा देता हूँ आपको, इधर आइए भाई साहब, तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे ये नोटिस दिया गया, स्कूल में भी कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है उसको रेस्टिगेट किया जाता है, स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 7000 लोग, सर सुन लीजिए, 7000 जो लोग हैं वो हॉस्पिटल पे आके तोड़फोड़ कर देते हैं हॉस्पिटल के अंदर घुस के, लेकिन उसको लेके ममता बनर्जी और पुलिस वहाँ की कोई स्टैंड नहीं लेती, कुछ नहीं बोलती है। जैसे ही वहाँ पे छात्र प्रदर्शन करने लग जाते हैं रोड पे तो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, उनको प्रदर्शन करने से रोका जाता है। 60000 लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे वहाँ, क्या किया जाएगा? नहीं, सात हजार फिर तो 7000 मतलब जो भी है स्टैंड तो लेंगे भी, जो भी अब लॉ एंड ऑर्डर के जो भी सिचुएशन है वो देखा जाएगा, कौन कौन गुनाहगार है उसको देखा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जो सरकार ही अगर उसको डिमोलिश करने में लग जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर पब्लिक चुनती है पब्लिक हटाना भी जानती है, तो ठीक है। एक मिनट ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सही ठहरा रहे थे और शेख हसीना को क्या बता रहे डिक्टेटर, क्या कर रहे थे डिक्टेटर। देखिए आज वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हॉकियों से पीटा जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है रेस्टिगेट करने का स्टूडेंट्स को, स्कूलों को नोटिस दिया जा रहा है, ये मैं नोटिस दिखा देता हूँ आपको, इधर आइए भाई साहब, तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे ये नोटिस दिया गया, स्कूल में भी कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है उसको रेस्टिगेट किया जाता है, स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे एक चीज बताइए, शेख हसीना को वापस लाके पीएम बनाया जा रहा है, शेख हसीना को हटाने के बाद अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? हम ऐसा कानून इंडिया में चाहते हैं या ऐसा कानून चाहते हैं कि बस अगर कोई घटना होती है तो हम सिर्फ सीएम को हरा दें, सीएम को हटा दें, उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दें, उस बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जो लोगों ने चुना है जिनको, मतलब इस तरह के अगर रेल 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 पलटे तो अश्विनी वैष्णव जी इस्तीफा दो मोदी जी आप इस्तीफा दो। अब स्टेट के अंदर होम मिनिस्ट्री है, न्याय दिलाने का काम किसका है? ममता बनर्जी का। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और फिर जब उनसे इस्तीफा मांगे, ना जी ममता बनर्जी को कुछ नहीं बोलना है, ना 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 वो तो हमारी सगी है, यहाँ हम कर आप करेंगे ना इमरजेंसी, एक ही मुद्दा है यहाँ पे सारे, अगर समर्थक है हम कहते हैं हम इमरजेंसी की मांग करते हैं। और सबसे बड़ा आज जो उसने बयान दिया पूरे, कहते अगर बंगाल ही जलेगा पूरा दिल्ली जलेगा, असम जलेगा, बिहार जलेगा, इस तरह से जो बयान दिया ना होम मिनिस्टर अमित शाह को, मैं ये सख्त चेतावनी दूंगा, ये एक तरह का एक्ट ऑफ जिसको बोलना थ्रेटनिंग है आपके संविधान को, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको भी बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये एक तरह का थ्रेट है आपकी डेमोक्रेटिक जो आपका संविधान बनाया हो ना उसको, इमीडिएटली वहाँ की सरकार की रेकमेंड करिए, आप रेकमेंडेशन डालिए एमरजेंसी का वहाँ पे, वहाँ प्रेसिडेंट रूल चाहिए तभी बेटियाँ सुरक्षित होगी, नहीं तो ये एक तरह से सुनिए अगर उस बेटी को आज न्याय नहीं मिलता ना, ये बाकी जो दरिंदे हैं ना उनको मतलब उनका उत्साह और बढ़ जाएगा कि भाई सरकार तो हमारी है, सबूत भी मिटा लेंगे, बेटियों को मारा भी जाएगा, सब कुछ कर देंगे, हमें कोई नहीं पकड़ेगा। क्या आप ये मैसेज देना चाहते हो? आज हमें एक ठोस कठोर एक जो है ना उसको दंड देना जरूरी है, उसके लिए कोई भी बाधा डालता है चाहे वहाँ की मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बनर्जी कह रही है अगर मुझसे इस्तीफा मांगा जाता है तो मेरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए, तानाशाही का माहौल तो वो बना रहे हैं, संविधान को खतरे में वो डाल रहे हैं। 3 घंटे सुनिए, 3 घंटे उस रेप को आत्महत्या बनाने की साजिश ये रचे,
ठीक है, सबूतों के साथ छेड़खानी ममता बनर्जी की सरकार करे, उसके बाद उसके लिए वकील कपिल सिब्बल जैसे और कई ऐसे वकील खड़ा करे, कौन? ममता बनर्जी। मगर कौन इस्तीफा दे? मोदी जी खुद इस्तीफा नहीं देना, खुद जलाने के लिए तैयार है, इस्तीफा नहीं दे। सत्ता का लालच, यहाँ भ्रष्ट, उसी का एक भ्रष्ट जो है ना नेता यहाँ बैठा है, जेल में पहुंच गए हैं, मगर इस्तीफा नहीं देना, सत्ता का लालच ये है। ये लास्ट में आज की मैं कह रहा हूँ राजनीति इतनी, पहले एक एलिगेशन लगता था भाई साहब, अडवाणी जी ने एक एलिगेशन लगने पर इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा था कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा मैं कुछ, मुझे हक नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू जी को अपशब्द कह दिए थे, उन्होंने इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे, कहते मेरी, मैं अब यहाँ काबिल नहीं हूँ, मैंने इनको गलत बोल दिया है, मतलब इस तरह की राजनीति। वो भी कह रही जो पुलिस के हाथों से जो केस है वो सीबीआई को दे दिया गया है, और सीबीआई और मोदी जी के हाथों में अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, करीबन 10 दिन हो गए। अभी अगर एक दिन भी अगर और दिया जाता ना, आज जो सीबीआई कड़ियां पिरो रही है ना कहीं गुनाहगारों तक पहुंचने की कड़ी बची थी, तो वो समझो अगर इनके हाथ में होता, सोचो वो सबूत बचते ही नहीं, आपको गुनाहगार कोई मिलता ही नहीं, वो एक जो संजय रॉय है ना वहीं तक कड़ी रह जाती, बाकी सारा उन्होंने डिलीट कर देना था, सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर देने थे, और सीबीआई अगर आ भी जाती ना कुछ नहीं कर पाती। आज उनको लीड मिली है, 1200 पन्ने की रिपोर्ट जो है ना उस जो वहाँ का डीन है ना प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट मिला हुआ है, तो ये साबित कर रहा है कि बुखलाहट क्यों है, क्योंकि कड़ियाँ जुड़ रही हैं किसके, ममता बनर्जी के ऑफिस तक, कि कैसे उसकी ट्रांसफर हुई, कोर्ट के मना करने के बाद भी उसको प्रमोशन जो 4 घंटे में उनको मिला है, तो ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं, और यहाँ सीधे ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर और सच उसको प्रमोशन बड़े कॉलेज में, तो यहाँ कड़ियाँ जुड़ रही हैं कि अब ममता बनर्जी भी कहीं फंस रही है, जब जब ये फंसी है ना तो इस तरह से इसने अराजकता वाले बयान देना शुरू कर दिए हैं। मगर अब यहाँ सबसे बड़ा रोल पता किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार को सबसे पहले तो वहाँ इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए, उन्हें की बात है, उन्हीं सरकार चल रही है, मुझे मानता है हिंदू बिंदु कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा, रोड बनर्जी है वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं वो बंगाल में है, सबसे सुरक्षित महिलाओं का आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगाल में सबसे सुरक्षित महिलाएं। कौन कह रहा है कि वहाँ पे? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि अगर सबसे सुरक्षित महिलाएं पूरे देश में कहीं हैं तो वो पश्चिम बंगाल में है। हाँ, मुसलमान महिला रोहिड़िया महिला है, वो वोट है, वो सुरक्षित है, बाकी कोई सुरक्षित ना तू, न इंसान न मनुष्य न का जाति ते लेके काउ दे, कोई सुरक्षित ना है, बस रोहिड़िया आगे वोट है, गुंडा है, कोई सुरक्षित नहीं, और उन्होंने कट मनी देते हैं वो सुरक्षित। कहने का मतलब जितने भी घुसपैठिए हैं ये सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है वो, मां की देश के हिंदुओं को अधिकार मार रहे हैं, हर जगह अधिकार मार रहे हैं। एक जी बताओ, जाकी पूरी एक हुआ को मंत्री था पहले, क्या नाम है, संदेश खाली में जो किया था बलात्कार, हाँ सर, से वो कौन था? रोहिड़िया था वो, रोहिड़िया था, वहाँ सीबीआई सीआईडी सवाले पड़े रहे, नहीं मिला, जब ममता ही ज्यादा सीधा लोग वही तो खुद ने हैंड ओवर किया, तो ऐसे रोहिड़िया रखते तो पका के जी रिश्तेदार है का जाके, भतीजे का जाके, भैया ने लगाए सवरे का के, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए पश्चिम बंगाल। देखो राष्ट्रपति शासन है वो तो जी विपक्षी इंडिया गठबंधन हुए जिस सवरे रहोगे छाती पीट पीट के, अब जी कह देते हैं कि जो छात्रा तगाए को कर रहे हैं आंदोलन ये बीजेपी के कहवे थे कर रहे हैं, तो क्या अफगान ने 3 नए घोषणा करी है, क्या नाम है ममता ने, ममता बीजेपी के कहवे थे कर रही है, कांग्रेस है अधीर रंजन चौधरी कर रहा, वो बीजेपी के कहवे थे कर रहा, सवरे बीजेपी कहवे थे कर रहे हैं, सवरे लोग बीजेपी, हाँ कछु लोग राजनीति अपनी रोटी सेक बे के लें वोट बंद कर लें, जिन्हें ट्विटर पैसा आ गए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आतस में तो पहुंच गए, माँ पे उन्हें ट्विटर में पैसा खत्म है, माँ नहीं कुछ कहेंगे। कह रही है ममता बनर्जी रेप तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, असम में भी इस तरह की घटनाएं आती हैं, और भी जिलों में और भी राज्यों में होती है, उनको लेके क्यों नहीं कोई सरकार है और वो जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल की इमेज खराब करने के लिए पश्चिम बंगाल को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बता दो भैया, तो देखो ऐसी कार्रवाई होती है, नाती तक ध्यान रखेंगे कि हमारे बाबा रेप करो बाकी हमारा मकान ध्वस्त कर दो गयी, और कंडीशन क्या कंडीशन है ऐसा, तो इमरादी कुछ और पहुंच जाए वो यूपी में, तो यूपी में रेप करके बचवो हंसी के ना माँ संरक्षण हो सरकार को, माँ की सरकार संरक्षण करते है उनको, जो पुलिस की गाड़ी से चला रहे सरकार को इसका इसकी बनक तक नहीं लगती है, सरकार बोल रही ना रिश्तेदार हो वो,
सरकार को भतीजो है मुख्यमंत्री को वाते बोलेगी वहाँ का बसना चलो जब नहीं को बचाया जाती तो बांग्लादेश भेज देती है बच्चन तो भेजना है पाई बांग्लादेश। जी कह रही है मेरे इस्तीफे की तो मांग हो रही है लेकिन मुझसे पहले तो मोदी जी के इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा देना चाहिए। कौन कह रहा है जो कह रही है वह ममता बनर्जी को देवे कंडीशन में पब्लिक रोड पे निकल आई है देश की पूरे देश ही मैं बांग्ला बंगाल की ना पूरे देश की मांग कर रही है। लगता है जो ममता बनर्जी बोल रही है कह रही है मेरे इस्तीफे से पहले प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। आप एक बात बताइए यहाँ पर जब निर्भया कांड हुआ था तब ऐसे इस्तीफों की बात हो रही थी, क्या हो रहा था तब? निर्भया कांड भी इतना ही भयानक था, इतना ही सब कुछ था, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में फ़र्क क्यों है? भाई रियलिटी ये है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे देश में जो गुनाहगार है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसकी डिमांड हो रही है ना, कि इस बात पर तो कोई इशू नहीं कर रहा जो है ममता बनर्जी दोषी है, वो नवन्ना मार्च निकाला है, हमारे मोदी जी दोषी हैं, तो क्या हम ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं या हम ऐसा राजनीतिक सिस्टम चाहते हैं, ऐसा न्याय तंत्र चाहते हैं कि लोग सड़कों पे इंसाफ कर दें?